नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रायपुर में बीते दिनों सिलियारी स्थित रियल बोर्ड पेपर मिल में छत्तीसगढ़ पाठ पुस्तक निगम की छापी गई साल 2024-25 सत्र की नई किताबों के कबाड़ में बेचे जाने की घटना को लेकर हमारी खबर का असर देखने को मिला है, जहां पर मामले में संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले की इस घटना की जांच के निर्देश भी दिए थे। जांच के उपरांत छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम के महाप्रबंधक के अफसर प्रेम प्रकाश शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को लेकर सख्त निर्देश अधिकारियों को दिए थे। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे दो अधिकारी को सस्पेंड किए हैं और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। गणित की किताब है, सामाजिक विज्ञान की किताब है, दसवीं की गणित है, इंग्लिश रीडर की किताब है, वारे भारतीय जनता पार्टी की साए साए सरकार, आपने बहुत बढ़िया किया। देखिए, आज सिलियारी के पेपर मिल प्लांट में मैं यहाँ से सामाजिक कार्यक्रम से गुजर रहा था, मैंने देखा कि सरकार जो किताबों को स्कूल में मुफ्त में बांटती है, सरकार की योजना से जो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम जिसको प्रिंट कराता है लाखों रुपया देके, करोड़ों रुपए की किताबें छपती है, लाखों की संख्या में यहाँ किताबें हैं, ये वो किताबें हैं जो गरीब बच्चों के बस्तों में होना था। लेकिन बदकिस्मती है इस प्रदेश की छात्र छात्राओं के लिए बड़े दुख की बात है कि इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और साय सरकार ने ये किताबें यहाँ रद्दी में कट रही है। जिस जो 2024-2025 की किताबें हैं, जो अभी नया सिलेबस है, वो सिलेबस यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर है, जबकि आप किसी से छुपा नहीं है और सरकार सो रही है, या किन लोगों ने इन किताबों को बेचने का काम किया है, रत्ती में एक किताब कैसे बिक आ गई यहाँ पर, इस पेपर मिल में एक किताब कहाँ से पहुँच गई, एक सोच का विषय है, किन लोगों का इसके पीछे में, किन लोगों ने ये षड्यंत्र किया, किन लोगों की ये साजिश है कि बच्चों को किताब मत मिले और ये रद्दी में एक किताब जो करोड़ों अरबों रुपए की है, ये किताब यहाँ पर कट जाए, वापिस यही इसको प्रिंट करके देते हैं, करोड़ों रुपए का कमीशन होता है, लाखों और अरबों रुपए की किताब छपती है लेकिन गरीब बच्चों को किताब नहीं मिलती, वो किताबों से वंचित है। सीएम विष्णुदेव साय दीनदयाल ऑडिटोरियम में सीआईआई के 2047 राइजिंग इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही युवाओं को लेकर सीएम साय ने कहा कि भारत आज ऊंचाइयों को छू रहा है। कार्यक्रम के बाद में सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान भी सामने आया। जीरो टॉलरेंस को लेकर सीएम साय ने कहा कि जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, अगर कहीं पर गलती हो रही या फिर जांच में सही पाए जाए तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और आप लोग देख भी रहे हैं कि लगातार मतलब कहीं पर गलती हो रही है और जांच में सही पाए जा रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। पिछले दिनों पाठ्य पुस्तक की किताबें कबाड़ में मिली थी, हमारे संज्ञान में आने पर उसमें जो जिम्मेदार लोग थे दो अधिकारी को सस्पेंड किए और उसमें जांच बैठाए हैं। जांच की रिपोर्ट आएगी तो आगे फिर पूरी बात सामने आएगी और सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस में कायम रहेगी। कोई भी दोषीदार कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है सर, पूरे प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर,
अब विपक्ष का ये धर्म है। तो उपमुख्यमंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद में आज सुबह रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अमेरिका की अपनी अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने 5 प्रमुख शहरों का भ्रमण कर सड़क निर्माण और सड़कों की रखरखाव की तकनीक, इसमें एएनआई आपको बताते चले कि इनमें एआई के उपयोग और पुल पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की गई। साथ ही लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह के साथ में अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साफ ने अमेरिका में निर्माण स्थलों और ग्रीन फील्ड रोड का अवलोकन किया है। उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर काफी लाभदायक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में जिन तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है उन्हें यहां पर जरूर करेंगे। अमेरिका से 10 दिवसीय यात्रा करके लौटा हूं। 9 सितंबर को अमेरिका गया था और आज अमेरिका से वापस लौटा हूं। इन दिनों में अमेरिका के 5 प्रमुख शहरों में जाना हुआ। इस दौरान सड़क निर्माण, सड़क रखरखाव की तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें किस तरह से उपयोग हो सकता है, पुल पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों के साथ चर्चा, ग्रीन फील्ड रोड का अवलोकन और जिस तरह से अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में जाना हुआ, किस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल वहां पर हो रहा है, इन सब का अध्ययन किया। और साथ ही साथ इस दौरान भारतीय लोगों से और विशेषकर छत्तीसगढ़ के लोगों से सभी स्थानों पर मिलना हुआ, उनसे बातचीत हुई। इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोग अमेरिका के इन शहरों में रहते हैं, वहां पर स्थापित हैं, स्थापित होकर न केवल छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, अमेरिका के विकास में भी योगदान कर रहे हैं। नाचा चना ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऐसी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मिलना हुआ। शिकागो में आयोजित भारतीय स्वदेशी मेले के समापन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ और यह यात्रा बहुत ही लाभदायक थी। मैंने भारतीय जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनसे आग्रह किया है, उन्हें निमंत्रण दिया है कि अमेरिकन साथियों को और देश के अन्य प्रदेशों से जो लोग वहां रह रहे हैं वे छत्तीसगढ़ आएं, छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सौंदर्यता, छत्तीसगढ़ के धार्मिक पौराणिक चीजों को देखें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता को समझें, ऐसा निमंत्रण देकर उन्हें मैं आया हूं। निश्चित रूप से जो अध्ययन हमने किया है, पुल का निर्माण वहां पर ज्यादातर स्टील से हुआ है और न केवल इससे समय की बचत होती है वरन वो अधिक समय तक चलने वाली होती है। हमारे प्रदेश में भी उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। रोड डिवाइडर के मामले में जर्सी डिवाइडर, कम चौड़ी सड़क पर कम जगह हो वहां डिवाइडर कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, इन सब का अध्ययन हमने किया है। और निश्चित रूप से जो अध्ययन वहां किया है, छत्तीसगढ़ के परिस्थितियों में जिन जिन तकनीकों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं निश्चित रूप से करेंगे। महासमुंद प्रभारी मंत्री एवं खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल आज जिला पंचायत के सभा कक्ष में समीक्षा बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री उपकरण देकर लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर सांसद रूप कुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, सरायपाली विधायक चतुरी नंद और जिला पंचायत अध्यक्ष उषा पटेल, कलेक्टर विनय लंघेर और साथ ही पुलिस अधीक्षक आशुतोष सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद रहे हैं।
देश में बीफ को लेकर बहस बहुत पुरानी है, लेकिन इस बार मामला विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर के प्रसाद में घटिया सामग्री और पशु चर्बी के कथित उपयोग को लेकर है। दरअसल सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने बीते गुरुवार को दावा किया कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला ने मिलावट की पुष्टि की है। टीडीपी प्रवक्ता अनम वेंकट रमना रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित लैब रिपोर्ट दिखाई है, जिसमें दिए गए घी के नमूने में बीफ टैलो की मौजूदगी की पुष्टि हुई। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू में बीफ मिलाने के विरोध में आज गोल बाजार चौक में सक्षम ने जगन मोहन रेड्डी का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया है। रात से टीवी में बहुत बड़ी खबर चल रही है कि तिरुपति बालाजी में जो मंदिर है उसके प्रसाद में गाय की चर्बी और जो जानवरों को तेल है उससे प्रसाद बनाने में उस तेल का और घी का उपयोग किया गया है, जो कि बहुत बड़ा एक जनजनित अपराध है। और मुझे लगता है इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता, क्योंकि करोड़ों की रास्ता उस मंदिर से जुड़ी हुई है और उस जगह में अगर ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये समझ से पड़े। और मुझे लगता है अभी तक इस मामले में हमारे हिंदू भाई चुप क्यों हैं? अभी तक तो बहुत कुछ कार्रवाई हो जानी चाहिए थी और इसके लिए बहुत कड़ा विरोध दर्ज होना चाहिए। उसी श्रृंखला में हमने आज अपना विरोध प्रकट करते हुए यहाँ पे उनका पुतला दहन किया है और हम उनके मृत्युदंड की मांग करते हैं। साथ में उसी स्थिति में जितने लोग भी शामिल थे और जो मौन भी थे उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, क्योंकि देव स्थान में अगर ऐसा होता है जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं उनके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, जैसे कि राम मंदिर में भी उन्होंने 1 लाख लड्डू भेजा था उसमें भी जरूर उन्होंने कुछ किया हो। कल तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने कल एक जो पूर्ववर्ती सरकार थी उनके ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने जो विश्व प्रसिद्ध मतलब तिरुपति देवस्थानम बोर्ड है और विश्व प्रसिद्ध जो तिरुपति मंदिर है वेंकटेश्वर का मंदिर है वहां पे जो मुख्य प्रसादम मिलता है लड्डू उसमें गाय की चर्बी और अन्य जानवर की चर्बी और जो मछली का ऑयल था वो मिला हुआ पाया गया था उस लड्डू में। वो प्रसाद लाखों लोगों में बांटा जाता है। आप देखेंगे तो मैं पिछली बार हम लोग खुद गए थे जब दर्शन किए, दर्शन के बाद 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमको लड्डू मिलता है और वो हमने यहाँ पे आके सब जगहों को बांटा है। तो ये अगर जानबूझ के किया गया है तो इसके लिए मृत्यु दंड से नीचे कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। तो हमने आज ज्ञापन भी दिया एसपी महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री जी को कि जो भी दोषी है यहाँ पे जो धर्म भ्रष्ट करने का इतना बड़ा महापाप किया है लोगों का लाखों करोड़ों लोगों का उसके लिए मृत्यु दंड से नीचे हमको कुछ भी नहीं चाहिए और हो सके तो सरेआम देना चाहिए फांसी उनको। तो यही हमारी वो मांग है और उसी के लिए हमने जगन मोहन रेड्डी का यहाँ पे पुतला फूंका था। और उसके साथ उन्होंने क्या किया था कि पिछली बार जब तेलुगुदेशम फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूरज की किरणें जरा जगमगाई खिड़की से छनकर हवा सरसराई आंगन में चिड़िया कोई चहचहाई भीतर से गुड़िया मेरी दौड़ाई चौखट पे सुंदर रंगोली बनाई धीमी महक फिर रसोई दौलत मेरे साथ आई खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई खुशियों की चाबी मेरे हाथ आई खुशियों की चाबी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की थी गारंटी छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाएंगे। के बाद स्वागत है आप सभी का, रुक करते हैं खबरों की तरफ।
गरियाबंद में संचालित शिवम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में तय समय और नियम प्रावधान को ताक पर रखकर कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। साथ ही इसको लेकर अधिवक्ता कन्हैया मांझी ने आधी अधूरी व्यवस्था पर संचालित कॉलेज की शिकायत संचालन चिकित्सक शिक्षा रायपुर में की है। आपको बता दें कि पिछले 10 सालों से गरियाबंद में संचालित इस कॉलेज के पास ना तो खुद का भवन है और ना ही खुद का कैंपस है। किराए के मकान में किसी तरह से संचालन की खानापूर्ति हो रही है, जिसको लेकर शिकायत की गई है। सर, हमारी इंस्पेक्शन की गई थी, फिर से दोबारा हमने अप्लाई किया था। उसके बाद उस इंस्पेक्शन के आधार पे उन्होंने फिर सारी क्वेरी अपनी फुलफिल करने के बाद हमसे एक एफिडेविट लिया, जिसमें ये हमसे सशर्त लिखवाया गया है कि आप साल से डेढ़ साल के अंदर अपनी स्वयं की बिल्डिंग बना करके वहाँ कॉलेज को संचालित करना शुरू करें। उस शर्त पे हमें परमिशन मिली है। क्या हुआ था कॉलेज के साथ? शिवम कॉलेज ऑफ नर्सिंग कॉलेज जो गरियाबंद में संचालित है, उसका शिकायत मैंने संचालन में किया है। जो पिछले 10 साल से संचालित है, लेकिन जो वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए और अभी तक उसका व्यवस्था नहीं कर पाया है, और किराए के मकान में संचालित है, गरियाबंद के बीचों बीच शहर में संचालित हो रही है, जिससे वहाँ दुर्घटना की आशंका ही बनी हुई है। और जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर तक वहाँ क्लास है जो लगना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था हो ही नहीं पा रही है, और जो प्रैक्टिकल के लिए भी लैब होना चाहिए वो भी नहीं है। अच्छा, खुद की बिल्डिंग बना रहे हैं बोल के दावा किए हैं? नहीं, मैं वहाँ भी गया था, लेकिन एक बोर्ड बस टंगा हुआ है और बहुत दिन से, साल से टंगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर कोई खबर शक्ति जिला के ग्राम पंचायत घिवरा से है, जहां पर शासकीय जमीन पर अवैध रूप से राखड़ डंपिंग किया गया है, जिसमें भैंस की राखड़ दलदल में फंसने की खबर है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने भैंस का रेस्क्यू कर उसको बाहर निकाला, और साथ ही जिम्मेदारों जो हैं वो अपनी निजी फायदे के लिए राखड़ तो गिरवा दिया है, लेकिन उसका खामियाजा ग्रामीणों को उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान से लगातार राजनीतिक सरगर्मियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में उनके बयान को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और रायपुर जिले के सभी बीजेपी सदस्य सिविल लाइन थाना पहुंचे, जहां उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई है और FIR करने की मांग की है। अनेक पद पर रहते हुए आज इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर आज पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने FIR दर्ज करने की मांग की है। देश का पान, प्रधानमंत्री का पान, सिख समाज का पान, जिस तरीके से उन्होंने किया है, उसके खिलाफ में तत्काल FIR दर्ज किया जाए, उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, इस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर हरकत दी है, बयान दिया है, देश विरोधी जिस तरीके के बयान दिए हैं, उसके विरोध में आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ में हम सब लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ पिछले कई दिनों से ये चर्चा का विषय है, मीडिया के माध्यम से सब जानकारियां प्राप्त हो रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से। सबसे पहले उन्होंने जिस तरीके से अपने विदेश दौरे में जाकर, विदेश दौरे में वैसे ही प्रश्न खड़ा होता है कि वो विदेश दौरे में जाकर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सिख समाज का अपमान, वहां पर सिखों को यहां पर भारत देश के अंदर में स्वतंत्रता नहीं है, उनको पगड़ी पहनने नहीं दी जा रही, कड़ा पहनने नहीं जा रहा है, उनको पोशाक पहनने नहीं दिया जा रहा है, अर्थात बाहर जाकर देश के अंदर में जो स्वतंत्रता का अधिकार है सभी धर्म के सभी समाज के लोगों को, उसका बिगड़ा स्वरूप प्रदर्शन करके भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरीके से जो लोग देश के विरोध में गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो देश विरोधी ज्ञान हमेशा से लेते रहे पाकिस्तान से लेकर बाहर के देश के लोग, उनके साथ में मिलकर बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ में बहुत उनकी बैठक हो रही है। बस्तर नवपदस्थ कलेक्टर हरीश एस ने प्रेस वार्ता कर जिला के तमाम पत्रकारों से मुलाकात की, जिले की समस्याओं को संज्ञान में लिया। कलेक्टर हरीश एस ने प्रेस वार्ता में बताया कि जिले में संबंधित जितने भी लंबित प्रकरण हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा बस्तर दशहरा को इस साल भव्य तरीके से मनाने की बात कही है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के बचेली रेलवे कॉलोनी से 18 दिन की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस टीम ने 4 घंटे के भीतर बच्ची को सुरक्षित खोज निकाला, वहीं 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। दंतेवाड़ा SP गौरव
राय ने नवजात बच्चे की सही सलामत मिलने की पुष्टि की। उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा कमलोचन कश्यप ने बताया कि प्रकरण में महिला के साथ अन्य दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और आगे की कार्रवाई लगातार की जा रही है। 18 सितंबर के दरमियान लगभग 11:30 बजे के बीच में थाना बचेली अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में छोटी कुंजाम के घर से एक 18 दिवस के बच्चे का अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। जैसी सूचना प्राप्त हुई तत्काल उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और जिला दंतेवाड़ा एवं जिला बस्तर में नाकेबंदी की गई। जैसा कि उनकी माता ने बताया उसके अनुसार तत्काल फील्ड यूनिट एवं साइबर सेल एक्शन में आए और मात्र 4 घंटे के अंतर भीतर ही हमने बच्चे को बरामद कर लिया। उसकी स्थिति सामान्य उसे अस्पताल में लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट कराए और घटनाक्रम में अपराध थाना बचेली अंतर्गत 43/24 पंजीबद्ध किया गया अपहरण के मामले में। इसमें मुख्य 3 आरोपी हैं, आकांक्षा शर्मा जो जिनका उनके घर में आना जाना था और जो मुख्य वहां से बच्चे को लेकर निकली थी। इसमें जो दूसरे आरोपी हैं साहिल अहमद जिनकी जगदलपुर बस्तर परिवहन संघ एवं जय झाड़ेश्वर परिवहन समिति द्वारा संयुक्त रूप से वाहन भाड़े को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने माल भाड़े की समस्याएं और छोटे मझोले ट्राला ट्रक मालिकों के तकलीफों को भी मीडिया के समक्ष रखा है। परिवहन संघ के अध्यक्ष ने बताया कि नगरनार इस्पात संयंत्र में जब उत्पादन प्रारंभ हुआ तब हैदराबाद का भाड़ा 3100 रुपये और रायपुर का 1700 रुपये निर्धारित किया गया, जिससे कुछ बाहरी और कुछ स्थानीय ट्रांसपोर्टर द्वारा भाड़ा कम करके परिवहन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष हूँ, मेरा नाम जलंधर नाग है और एसपी साहब से हम लोग ज्ञापन देने आए थे। किस मामले में? कल हम लोग धरना दे रहे हैं। क्या चीज को लेकर? गाड़ियाँ जो बाहर से भरे जो परिवहन हो रहा है उस परिवहन के बाहर की गाड़ियाँ भर रही है और अनाप शनाप जो रेट अभी चला है तो उसको रेट सही गाड़ी मालिक को मिले। और जो पहले 2700 रुपया से जा रहा था और 21 रुपया से जा रहा था, अभी जो है 1700 रुपया हो गया है। कौन गिराया रेट? ये जो अनाप शनाप जो वो कहीं कभी लोग आके अभी भर रहे हैं क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं था, अभी व्यवस्थित ढंग से चलेगा। किस मामले को लेकर आते हैं? बस्तर परिवहन संघ द्वारा कल प्रेस वार्ता के माध्यम से हमने ये सबको सूचना दी थी कि जो लोग कई क्षेत्रीय लोगों का आज नुकसान हो रहा है, जो क्रमबद्ध हमारी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, सिंगल गाड़ी मालिक पीछे दबे कुचले रह जा रहे हैं, ज्यादा वाहनों वाले अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, कुछ ट्रांसपोर्टरों की लड़ाई में क्षेत्रीय लोगों का नुकसान हो रहा है। इन सारे नुकसान को देखते हुए, क्षेत्र लोगों को परेशानी को देखते हुए बस्तर परिवहन संघ साथ में जय झाड़ेश्वर समिति संयुक्त होकर एक बैनर तले कल से नगरनाथ में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसका ज्ञापन हमने जिला दंडाधिकारी एसपी साहब को दे दिया है। हम अभी आगे जाके दंडाधिकारियों को भी अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। शांतिपूर्वक हमारा धरना रहेगा। लोकल क्षेत्रीय लोगों की मांगों को, जो हमने रेट की मांग रखी है, जो शुरू से रेट 3100 था वो 1700 आ गया है। हमने लोकल क्षेत्रीय आदमियों की सबकी परेशानियों को देखते हुए एक जो बस्तर परिवहन संघ शुरू से क्यू सिस्टम से गाड़ियां चलाता आ रहा है, जिसमें सबको समानता का अधिकार दिया जाता है, उस समानता के अधिकार को वहां लागू करना है और साथ में भाईचारे की तरह शांतिपूर्वक हम कल करना। ये कब तक चलेगा आपका ये जो धरना? ये जी हमारी मांगों को कल पूरा कर दिया जाए, कल हमारा धरना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दिल्ली निवास पर छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की है। इस दौरान गृह मंत्री ने संबोधित भी किया। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। उनको हाथ में हथियार लेकर घूमते हुए लोगों का मानव अधिकार तो दिखता है, परंतु उनके आतंक के कारण छोटे छोटे बच्चे अपाहिज होकर पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। किसी की मां छीन गई, किसी का बाप चला गया, किसी का शरीर का कोई अंग चला गया, उसके मानव अधिकार दिखाई नहीं पड़ते। खैर, आपका प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएगा और मैं कल ही मेरे सभी प्रयास कर आपकी ये फिल्म
आपके साथ मेरी ये मुलाकात और आपका दर्द पूरे भारत देश के साथ मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से साझा करूंगा, ऐसा मैंने यहां बैठकर मेरे मन में निर्णय किया है। भाई बहनों, जब आप आए हैं तब मैं आपको आश्वस्त भी करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय का काम है समग्र भारत के। रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में एक दिवसीय युवा उत्सव 3.0 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। क्या कुछ कह रहे सुनाते आपको। बात होगी, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि सीआईआई और यंग इंडियंस के द्वारा हमारे वर्तमान और भावी पीढ़ी को, युवाओं को सफल उद्यमी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप लोग स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उद्योग जगत नए जमाने की प्रौद्योगिकी और रोजगार जरूरतों के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट करने और शिक्षा देने की बात पर जोर दे रहा है। मुझे आपसे यह बात साझा करने में खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ में हमें इसे अपनाया है। हमारे जनजातीय क्षेत्र के युवा भी अब रोबोटिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी विषय पढ़ रहे हैं। हमने स्कूलों में इसकी डेवलपमेंट के कोर्स शामिल कर दिए हैं। इससे छात्र अपनी विषय की पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इसके साथ ही हुनरमंद भी हो रहे हैं। हमने प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 लागू की है। इस नीति के माध्यम से न केवल बच्चों के लिए रोजगार के नए अवसरों को प्राप्त करना संभव होगा, अभी तो उनके भीतर सीखने की ललक भी पैदा होगी, जो आगे बढ़ने की सबसे बड़ी पूंजी। हमारे साथ उद्योग जगत के लोग भी बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में प्रशिक्षित कुशल इंजीनियरों की बहुत अधिक डिमांड है, यह कमी। फिलहाल बड़े में इतना ही, नमस्कार।